हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल जस्ट फ्रेग्रेंसेस। अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, काइंड रिक्वेस्ट मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। सो आज हम करने जा रहे हैं फुल रिव्यू डियोर स्वैच का परफ्यूम वर्जन। मेरे हाथ में है एक 100 ml का बॉटल और दूसरा जो ख़त्म हो चुका है तकरीबन, वो भी एक 100 ml का बॉटल है। एक बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम, कह लें कि इसके EDT और EDP के बाद जो मार्केट में 2019 के अंदर रिलीज़ हुआ वो इसका परफ्यूम वर्जन था। वो तमाम तर स्पाइसी नोट जो हमने EDT और EDP के अंदर देखे, जिनकी वजह से इसकी हाइप मार्केट में बहुत बनी रही। ब्लैक पेपर बहुत स्पाइसी, बहुत फ्रेश, बहुत क्रंची किस्म की जो स्मेल थी उससे हटकर थोड़ा काम हुआ एक क्लासी स्टाइल में। अगर आप आज के कोई भी फैशन ब्रांड देखेंगे वो मूव हो रहे हैं फ्रेगरेंस को इंस्टेड ऑफ बहुत ज़्यादा फ्रेश और स्पाइसी बनाने से ज़्यादा वो इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि वो किस तरह से क्लासिक स्मेल रखता हो, वो किस तरह से कितना उसको मॉडिफाई किया जाए कि उसकी स्मेल या उसकी फ्रेगरेंस एक क्लास में आती हो, स्ट्रॉन्ग आती हो, थोड़ी सी उस तरह से चीप वो स्मेल ना करता हो, एक अच्छा और महंगा परफ्यूम स्मेल करता हो। इस तरह की कोशिश है बिनोद शनैल के ऊपर जिस तरह की गई, या शनैल ने जिस तरह की डियोर सवाज में भी उसी तरह की कोशिशें और मॉडिफिकेशंस परफ्यूम्स में हो रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके बॉटल के ऊपर। अगेन बॉटम में आप देखेंगे इम्बोज डिटेल और किसी भी तरह का स्टिकर यूज़ नहीं किया गया। मैग्नेटिक कैप आपको मिलने वाला है। कुछ ख़ास डिटेल फ्रंट पे डियोर सवाज में वैसे भी नहीं आती, सो आपको यहाँ डियोर सवाज परफ्यूम और लास्ट में डियोर प्रिंटेड नज़र आ जाएगा। कैप मैग्नेटिक है, थोड़ी बहुत डिटेल कैप के अंदर आपको नज़र आने वाली है और बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मेट है जिस तरह के शनैल के और दूसरे प्रोडक्ट में या डियोर के और तमाम तर प्रोडक्ट में आपको नज़र आता है। कैप इसका एक ही कंडीशन में बंद होता है जहाँ पर CD का लोगो बिल्कुल स्ट्रेट आपको नज़र आए, किसी दूसरी फॉर्म में ये कैप बंद नहीं होगा। सो टिप है बॉटल के लिए, अगर आप कभी परफ्यूम खरीदें तो बॉटल को अच्छे से चेक कीजिए। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कंपनी ने इस तरह की रखी हैं कि वो कॉपी में या फेक्स के अंदर बिल्कुल सेम स्टाइल के अंदर फिक्स नहीं हो सकती। बात करते हैं इसके फर्स्ट नोट के ऊपर जहां हमें बहुत ज़्यादा फील होने वाला है हुप्स बर्गमॉट जो इसके नोट्स को बहुत ज़्यादा फ्रेश और ओपनिंग्स इसकी बहुत ही अमेजिंगली जो है ना वो पुश करता है। इसके साथ थोड़ा सा स्पाइसी नोट आपको फील होने वाला है। ऑरेंज का एक बहुत ज़बरदस्त एलिमेंट बिगनिंग में यूज़ किया, LME है इसके अंदर जो इसको थोड़ा स्पाइसी टच देती है। सो फर्स्ट नोट इसका ज़बरदस्त है। सो सेकेंड नोट की अगर हम बात करते हैं जो इसका मिडिल नोट है, जस्ट सुपर अमेजिंग बाय द वे। इसके फर्स्ट नोट जब भी इसको स्प्रे करो वो बहुत ही अग्रेसिवली जो है ना आपको फील होते हैं। सेकेंड नोट की हम बात कर रहे थे, सेकेंड नोट के अंदर संदलवुड ठोक के यूज़ किया गया और उसको इतना ज़बरदस्त इसके बर्गमॉट और फर्स्ट नोट्स के साथ कंबाइन किया गया, फॉर्मुलेट किया गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से। वो जो बिल्कुल स्पाइसी नोट्स आपको बिगनिंग में नज़र आते थे या स्मेल होते थे, अब इसके मिडिल नोट्स के अंदर ज़्यादा जो आपको टेक्सचर समझ में आएगा, ज़्यादा जो फ्रेगरेंस समझ में आएगी वो वुडी समझ में आएगी। सैंडलवुड आपको बहुत अच्छे से फील होने वाला है इसके मिडिल नोट के अंदर, स्पाइसी रहता है। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके बेस नोट के ऊपर। बेस नोट बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक कहने की बजाय ऑब्लिनम, उसके साथ टोंका बीन और उसके साथ वनीला का एक बहुत ज़बरदस्त टच दिया गया। बेस नोट के अंदर फ्रेगरेंस स्वीट एंड स्पाइसी हो जाती है। टोंका बीन का जो सिग्नेचर इंग्रेडिएंट मेरे हिसाब से डियोर का रहा है वो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं और बहुत तरीके से उसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सो वेनेला के साथ उसका बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया है। इसके बेस नोट के अंदर ये आपको स्वीट एंड स्पाइसी फील होने वाला है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुडी फ्रेगरेंस के साथ ये इसमें मर्ज होता है और आपको बहुत अच्छे से वेनेला इसके बेस नोट के अंदर फील होने वाला है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस 8 to 9 hours और बहुत अच्छी हो सकती है अगर वेदर थोड़ा ठंडा है और या इवनिंग में इसको यूज़ किया गया है। दिन में वो लोग जिनको स्वेट के बहुत इशू रहते हैं वो इस परफ्यूम को ज़रूर यूज़ करें,
बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस इसकी रहती है जो आपके स्किन के स्मेल को चेंज करती रहती है नोट बाय नोट। सो अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्स फैक्टर के ऊपर। डियो सवाज यूज़ किया, EDT, EDP और कॉम्प्लीमेंट्स ना मिले इम्पॉसिबल है। हाईली कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर मिलते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स के मामले में डियोर का वन ऑफ द वेरी फेमस परफ्यूम है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके परफ्यूम वर्जन की, इस पे जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलने वाले हैं इसके परफ्यूम वर्जन के अंदर, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग डिसेंट, नाक को चुभने वाला नहीं है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ऐसी स्पाइसी नहीं है कि आपको चुभने लगे। सो ये एक ज़बरदस्त पॉइंट है इसके परफ्यूम वर्जन के अंदर। क्लासी, डार्क, थोड़ा वुडी और अंबरी ज़्यादा है। सो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आपके क्लोथ्स में और आपकी बॉडी के अंदर बनाए रखता है। कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलने वाले हैं ढेरों मिलियंस में। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस वेयर है ये, कहीं भी जहाँ आप जाना चाहते हैं इसको यूज़ करके जा सकते हैं, इसको वेयर करके जा सकते हैं। जहाँ भी जाएंगे हो सकता है 4 से 6 लोग आपको यही कहेंगे कि आपने शायद डियोर सवाज को यूज़ किया। सो बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है कॉम्प्लीमेंट्स के मामले के अंदर। ये मेरे हिसाब से अभी तक के परफ्यूम्स के अंदर डियोर की तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट का किंग है। अब बात कर लेते हैं हम इसके प्राइसेस के ऊपर, और प्राइसेस वेरिएबल हैं जगह जगह पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। अगर हम बात करते हैं इसका, 100 ml का बॉटल आपको मिलने वाला है तकरीबन 28 to 31। अगर आपको इसका टेस्टर मिलता है 14 से लेके 16 में तो बहुत ज़बरदस्त है। उसकी बॉटल को प्रॉपर तरीके से चेक कीजिए। जो बॉटल की डिस्क्रिप्शन मैंने पहले बताई, कमर्शियल हो या टेस्टर, उसमें सेम होने वाली है। सो ट्राई कीजिए ज़रूर। अगर आपके पास डियोर सवाज नहीं है, अगर आप परफ्यूम यूज़ करते हैं और आपने अभी तक डियोर सवाज यूज़ नहीं किया, सो मैं कहूँगा कि आपकी फ्रेग्रेंस की कलेक्शन या आपके परफ्यूम का शौक़ अभी तक इनकम्प्लीट है। और इसी के साथ आज का हमारा रिव्यू ख़त्म होता है डियोर सवाज के ऊपर। अ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का और रिव्यू का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं इसी तरह और भी दूसरे परफ्यूम्स के ऊपर रिव्यू करता रहूँगा। जब तक के लिए बाय बाय।